हेलो अदो आज जो है बेसिक इंग्लिश यानी जीरो से लेकर आगे तक कहीं तक आप पढ़ते जाइए और आप जो है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 वर्ड होते हैं और इन वर्डों को जो है 26 जो वर्ड है इन 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा जाता है यानी दो पार्ट्स किए जाते हैं इसके। एक तो होता है ये वोवेल्स, वोवेल्स को हम आगे और बताएं तो इसके बारे में सेमी वोवेल्स होता है। सेकेंड कॉन्सोनेंट इन्हें व्यंजन कहते हैं और इन्हीं की मदद से हम जो है आगे इंग्लिश लिखते हैं, आगे इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। इसके बिना इंग्लिश भाषा बिल्कुल अधूरी है, इसके बिना तो हम कुछ जान भी नहीं सकते। तो अब आप देखिए कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। ये इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसी के इसी में आगे जब हम चलते हैं तो डब्ल्यू और एक्स, ये डब्ल्यू और ये एक्स, ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं डब्ल्यू और एक्स, ये सेमी वोवेल्स होते हैं। इनको हिंदी में मिश्र स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर। सेकेंड अब चलते हैं कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वाई और जेड, ये सभी कॉन्सोनेंट है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू ओ एक्स को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स है वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल्स हैं, इनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में हम इसे मात्रा भी कह देते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये मात्रा बोल देते हैं। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये भी ई की मात्रा से संबंध रखता है, ओ ये यू, ये समझिए जो है ये मात्राओं जैसा काम करते हैं। ये सेमी वोवेल्स, ये मिश्र स्वर है डब्ल्यू और एक्स। इसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी आपको मिली होगी शायद, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मिश्रित स्वर है। जो इंग्लिश में जो मिश्रित हो करके यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल्स मिल करके काम करते हैं उन्हें सेमी वोवेल्स कहते हैं, जैसे ये डब्ल्यू और एक्स। बाकी हम बात करें आगे कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की, तो ए ई आई ओ यू, वैसे तो साधारण शब्दों में ये कह देते हैं, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक से अभी हम कह देते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं, इनको हम स्वर कहते हैं। इस प्रकार जो है और बाकी इन्हें छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एम जो है एन पी क्यू आर एस टी यू और वाई और जेड, ये सभी व्यंजन होते हैं। तो यहां तक है कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई, बिल्कुल जड़ से और बिल्कुल बेसिक से ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। और इससे आगे कल इसी टाइम इससे आगे हम इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे, तो सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, देखेंगे और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कॉमेंट करें और इसको अधिक अधिक शेयर करें। तो आप देखिए तो ये इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, मतलब होता है इंग्लिश की वर्णमाला। और किसी भी जैसे हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं आज से लेकर के ज्ञान वगैरह वहां तक जो पढ़ते हैं, तो ये सभी उसी तरह ये 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को हम दो पार्ट्स में जब हम से बांट देते हैं, एक होता है वोवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स 5 होते हैं और दो वर्ड ऐसे इसमें हम सेमी वोवेल्स कहते हैं डब्ल्यू और एक्स, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं जिसे हम व्यंजन कहते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्सोनेंट ये व्यंजन होते हैं और ये ए ई आई ओ यू ये जो है वोवेल्स होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो यहां तक है कि आपकी समझ में ये अल्फाबेट आ गया होगा। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि अल्फाबेट से हम किस तरह से वर्ड बनाते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, वो हम आगे बनाएंगे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहां तक के लिए आपको बार बार धन्यवाद, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।